ਤਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 BSNL कैजुअल ते कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ते सांझा मोर्चा ने रल के GMT दे खिलाफ एक दिना गेट रैली की। इस गेट रैली का मुख मकसद उन्हां दियां मुख मंगां जिन्हां विच मजदूरां दियां 15 तो 18 महीने दियां तनखाहां ना मिलना, 19-20 सालां तो काम कर रहे मजदूरां नूं नौकरी तो कढ़ना, अगे लई कंपनी दा टेंडर बंद करना ते हटाए हुए पुराने मजदूरां नूं बहाल करना। ते जो अज GMT फिरोजपुर नाल पुलिस प्रशासन नाल मीटिंग की गई है, उस मीटिंग विच GM वल्लों वर्करां नूं कोई भरोसा नहीं दिता गया, जिस दे रोस विच आ के उन्हां वल्लों इह गेट रैली की गई। इस तों बाद 3 वर्कर मजबूर होकर टावर ते भी चढ़ गए। इस मौके उन्होंने कहा कि जेकर साढ़े किसी मुलाजम नूं कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी GM की होगी। उन्होंने कहा कि लोड़ पैण ते संघर्ष नूं होर भी तेज किया जाएगा। सर, अज सानू BSNL विच काम करदिआं नूं तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, पर सानू साडी 18 महीनों की तनखा नहीं मिल रही। पिछली 6-7 महीनों की भी जो मिली है वह इस तरह मिली है कि ना बराबर है। कदे 2000 आ गया, कदे 1000 आ गया, वह भी कदे रखड़ी त्यार ते आ गया, कदे सानू लोहड़ी ते आ गया, कदे 1000 रुपया आ गया जी दिवाली ते। इस तरह सानू तनखावां मिलदी रही ने पिछले 6 महीने की, वह भी ना बराबर ही ने, पर साडी 18 महीने की पर टोटली ही तनखा खड़ी है, जो कि सानू BSNL महकमा नहीं दे रहा। ये कहिंदे ठेकेदार को लो, ठेकेदार कहिंदे ने BSNL देवेगा तो देंगे। इसलिए असीं भुखे मर रहे हैं, भुखमरी का शिकार होए पए हैं। इसलिए जेकर असी अज टावर ते चढ़े हैं, जेकर साडी 12 घंटे दे विच पेमेंट नहीं की जाती तो असी आदि जान देंगे, बस होर कुछ नहीं, जान ही देंगे। ये नहीं असी कोई फैसला करना है, कोई इन्हां दे कह दे महीने बाद दे देंगे, लिखती फैसला कुछ नहीं असी लैना। सानू सिर्फ तनखा चाहिए, लिखती फैसला नहीं चाहिए। साडे प्रधान बहुत वारी, साडी यूनियन बहुत वारी आके इत्थे मिल के गई है GMT फिरोजपुर नूं, कदे CMT फिरोजपुर नूं, कदे साडे DT नूं, पर साडा कोई भी किसी ने हल नहीं करवाया, ना किसी ने साडी सुनी। जेकर साडा 12 घंटे दे विच हल नहीं किया जाता तो असीं आदि जान देंगे, बस यही कहिंदे होए असीं आदि रिकॉर्डिंग बंद कर। पुलिस प्रशासन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमान को टावर तो थल्ले उतारने लिए कड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान BSNL मुलाजमान ने नारेबाजी भी की, जिस तो काफ़ी देर बाद BSNL के अधिकारी वालों तनखाह जल्दी देने के भरोसे तो बाद पुलिस से सिविल प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को टावर तो नीचे उतारिया। इस मौके गल करदे BSNL कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के आगुआ ने दसिया कि सारा काम वह करते हैं, पर उन्होंने कई महीनों तो सैलरी नहीं दी गई, जिस कारण उन्होंने यह कदम चुकना पड़ा। तो साढ़े 15-15 महीनों तो साड़िया पेमेंटा पईयां ने, तो पेमेंट बिल्कुल ही नहीं दे रहे किस तरह की। तो इन्होंने GM ने दी, इस तरह जिहड़ा GM बैठता है एक दिन प्रोजपुर, इन्हें सब तो ज़्यादा गंद इन्हें पाया ठेकेदारां दी जिन्नियां फाइलों से करता है। ये सिर्फ पहला कमीशन लैंदा, बाद च साइन करता है, ठीक है। सानू ठेकेदारां ने इन्ना परेशान कर रखे हद तो ज़्यादा ही। भी असं टावर भी असं चलाने, ठीक है, टैलीफोन भी असं ठीक करते हैं, बैंक साढ़े को चल देंगे, ठीक है, लीज लेना असं चलाने गे, भी सारा काम असं कर देंगे, भी देखभाल जिनी है, ठीक है। इन्हों के पक्के बंदे तो रही नहीं गए हैं, ठीक है, जिन्हें साढ़े वर्गे सारे मुंडे सारे काम कर रहे हैं। पहला पेमेंट दे बाद लै जाएंगे थले, नहीं तो असं इस तू ज़्यादा भी असं कम भी साढ़े 4-5 बंदे हैं, उपर 4-5 बंदे चढ़े हुए। हाँ जी, तो पुलिस आई है इतने थले लाने? हाँ, पुलिस आई है जी, बाकी वो इस तरह नहीं हो जी, ये तो साढ़े नाल साथ देन रहे हैं जी पूरा चंगे। उते जो BSNL अधिकारी प्रताप नाल गल की गई तो उन्होंने दसिया कि लिखते विच उन्होंने सैलरी जल्द देने का आश्वासन दिता है, जिस तों बाद यह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मन गए ने। होपफुली तो इस महीने में कुछ आना चाहिए, अगले 2-3 महीने में इनका मोस्ट ऑफ द मतलब जितना भी पड़ा हुआ पेंडेंस है वो खत्म होना चाहिए। सर, अब आपने इनसे बात की है? बात की है, हम लोग बैठे थे, ये इंस्पेक्टर भी साथ में थे यहाँ पर, पुलिस इंस्पेक्टर SHO भी थे, तो और ये लोग इनके कुछ लीडर्स थे वो भी आए थे हमारे पास, तो उनको मैंने यही सब बताया है कि हम तुम्हारा कुछ। सर, क्या बोलते हैं कि कब तक टावर से उतरेंगे? क्या नहीं, टावर पे तो हमें नहीं पता था कि चढ़ेंगे, बाद में अभी कहीं पीछे से गए होंगे, पहले तो ये सेट कह रहे थे कि ठीक है, हम जो है हमारा अच्छा पैसा अगर एक महीने में मिल जाएगा या एक दो महीने में मिल जाएगा। तो टावर पे जो चढ़े आदमी, आपको नॉलेज नहीं है उनके पर? नहीं, यहाँ से अभी जब हम बात कर रहे थे, SHO साहब भी यहाँ बैठे हुए थे, तो उस टाइम में वो लोग कन्विंस हो रहे थे, वो कह रहे थे कि ठीक है, अब हम जो है हमारा पैसा मिल जाएगा तो हम वापस जा रहे हैं, लेकिन बाद में उनमें से कोई अपनी मॉब है, मॉब में तो किसी का कोई कोई कुछ सोचता है तो उधर वो साइड चलेगा। सर, अब ये मसला कैसे हल होगा? मसला तो हमने उनको समझा दिया, बता दिया कि ऐसे ही कि पैसा
हम मांगने के लिए लिख रहे हैं, और आज हमने सीजन साहब को अपने कुछ फोटो भी भेजे हैं, उनसे बात करेंगे, तो पैसा होगा तो आएगा, हम इनको देंगे तुरंत। यू आर वॉचिंग चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।